देखिए अब हम लोग बात करते हैं नंबर एनालॉजी की। कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, करने की कोशिश करिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए हमने पहले ही आपको बताया था एनालॉजी का मतलब ये होता है कि जो संबंध इन दोनों में होगा, जो भी रिलेशन इनमें होगा, वो रिलेशन आगे वाले में हमें लागू करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो देखिए हमें अगर तुरंत हम देख पा रहे होंगे तो 6 से 1 कम है, तो अगर 8 से 1 कम करें तो यहाँ पर कहीं ऑप्शन नहीं है। तब हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड। देखिए क्या होगा, 3 दूनी 6, इसके गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। यहाँ देखिए 3 दो 5 लिखा हुआ है, 4 दो क्या हो जाएगा, 6, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा। क्या किया है, गुणनखंड करके उनको जोड़ दिया है, गुणनखंड करके उनको क्या किया है, जोड़ दिया है। आगे देखें यहाँ पर ये 5 से काफ़ी बड़ा नंबर दिख रहा है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि 5 6 का 30, तो 8 6 48, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो आप देखिए जो बड़ा है उसके गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर और +5 55 25 5 30 लिखा हुआ है। यहाँ देखिए 8 का स्क्वायर तो होगा 8 6 64, और प्लस कितना करना है, 5। 8 6 64 + 5 करेंगे तो 79 हो जाएगा, आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत। ये तीसरा नंबर देखिए 63 9 दिया है, आपका 14 बनाना है। कैसे बनेगा 14, तो आप देखिए यहाँ देखिए 6 और 3 को आपस में जोड़ दीजिए, 6 3 9, तो आप देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है। देखिए 8 6 14 9 6 15 6 5 11, यानी यही ऑप्शन आपका होगा। 6 और 8 को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा। यहाँ देखिए 2 से 7 और 3 से यहाँ क्वेश्चन मार्क है। 2 से 7 कैसे बता सकते हैं, 2 6 + 1, तो 3 3 9 + 1 है ही नहीं। ये क्या कह सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, 2 का क्यूब है और -1। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में 1 घटा दो क्या हो जाएगा, 7। यहाँ वही चीज़ लागू कर देते हैं भैया, 3 का क्यूब 3 3 9 3 27, -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26। बात समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल आपके स्क्रीन पर हैं, देखिए करने की कोशिश भी करिएगा और हमारे साथ भी करिएगा। चलिए क्या दिया है, 3 अनुपाते 243 समानुपाते 5 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। देखिए 3 के कंपेयर में काफ़ी बड़ा नंबर है, इसका मतलब स्क्वायर क्यूब या उसके ऊपर होगा। तो देखिए हम लोग इसको कैसे कलेक्ट करेंगे, तो अगर स्क्वायर क्यूब आपको याद हो तो 3 की पावर ये क्या दिया गया है, 5। सर कैसे पता चला, तो 3 की पावर 4 = 81 होता है, और 3 की पावर 4 = 81 में जैसे ही 3 का गुणा करेंगे तो 8 3 24 लिखा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 की पावर 5 कर देंगे, 5 की पावर 5 करेंगे भैया तो देखिए क्या आ जाएगा आपका, 5 की पावर 5 में 31 25, क्या हो जाएगा, 31 25। यहाँ देखिए 6 का 18 है, 4 का क्वेश्चन मार्क। आप देखिए 6 3 का 18 है, तो 8 4 3 12 होना चाहिए, ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ कितने का गया, फिर देखिए 12 प्लस किया गया है, तो 4 में आप 12 जोड़ दीजिए, 4 में आप 12 जोड़ेंगे तो 12 4 क्या हो जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर कौन सा, 4 हो जाएगा, क्लियर है ये बात, सिंपल सा जोड़ दिया था। देखिए 1 और 4 है, यहाँ पर 64 है, काफ़ी बड़ा नंबर है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसे निकलेगा। 1 है तो यहाँ पर देखिए ये 2 का स्क्वायर है, क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, कोई दिक्कत है। अथवा 8 का स्क्वायर अगर नहीं लगता तो 4 चौको 16 चौको 64, 4 का क्या है, ये क्यूब भी है। अगर ये 1 का स्क्वायर मान लेते हैं, यहाँ 4 का क्यूब है तो यहाँ 3 का क्यूब होगा, ठीक है, और 3 का क्यूब क्या होगा, 27, क्या होगा, 27। क्या 27 ऑप्शन में है, अगर है तो अपना यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सर कैसे पता किए, तो ये 1 से +2 था, तो ये 1 में 2 प्लस है ना, 1 आगे वाला है, तो 3 में 1 आगे वाला, यानी 4 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगले की बात करें, देखिए 18 से 30 है, तो 36 से आपका क्वेश्चन मार्क पता करना है। कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए इसके फैक्टर कर दीजिए, 6 3 का 18, इसके 6 5 30, कोई दिक्कत है। यहाँ देखिए 6 6 36 है, अगले वाले के फैक्टर कर दीजिए,
यहाँ क्या है, 6 कॉमन है तो यहाँ तो 6 रहेगा ही, ठीक है। अब आप देख लीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ कौन सा नंबर होगा आप चेक कर लीजिए। 6 का गुणज होना चाहिए, तो 6 का गुणज कौन सा है आप देख पा रहे हैं, 66 है, यानी यहाँ पर किसका गुणा है, 11 का, यानी आपका आंसर। सर कोई दूसरा तरीका इसमें बताओ, तो आप ध्यान से देखना, मैं दूसरा तरीका यहाँ बता रहा हूँ। 18 का गुणा 2 से कर दें तो 18 दुनी क्या होगा, 36। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? 18 का गुणा 2 से किया तो 18 दुना क्या हो गया, 36। 36 में आप 6 घटा दो तो आपका क्या हो जाएगा, 30। आप देखिए, अगर यहाँ 36 में 2 का गुणा कर दें, 36 गुणे 2 तो बराबर क्या हो जाएगा, 72। 72 में आप 6 माइनस कर दो, आपको क्या मिलेगा, 66 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले यहाँ देखिए, 68 है, 130 है, अगला क्वेश्चन मार्क यहाँ देखिए। 68 कोई नंबर है तो आप देखिए कैसे पता चलेगा, ये 4 का क्यूब है प्लस 4 है, 4 चौको 16 चौको 64 प्लस 4 बराबर 68 होता है। ये 5 का क्यूब प्लस 5 है, सर कैसे पता चला, 5 का क्यूब 125 प्लस 5 कर दिया जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये कैसे पता करेंगे किसका क्यूब है, तो आप देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यानी प्लस 1 हुआ है, क्या हुआ है, प्लस 1। एक आगे वाला नंबर है, तो एक आगे वाला नंबर उनमें से कौन सा है जो क्यूब में उसी नंबर को जोड़ा है, तो यहाँ देखिए ये तो 6 का क्यूब लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 6 का क्यूब। यहाँ देखिए आप चेक करिए ये क्या लिखा हुआ है, तो आप देखिए 5 का क्यूब करके इसमें आप 5 जोड़ोगे भी तो ये नहीं बनेगा, इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ 5 का क्यूब करिए, आप देखिए कि यहाँ पर भी ये नहीं बन रहा है। जब ये कोई नहीं बन रहे तो हम लोग इसके आधार पर ही निकालेंगे, तो इसके आधार पर निकालेंगे तो कैसे प्राप्त करेंगे इसको, ये क्या लिखा हुआ है, 7 का क्यूब में 7 जोड़ा है, 7 का क्यूब होता है आपका 343 प्लस 7 350। एक कम वाला आएंगे तो 6 का क्यूब में 6 जोड़ देंगे, 6 का क्यूब 216 होता है, 216 में 6 जोड़ देंगे, 200 कितना हो जाएगा, 22। ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड नंबर दूसरा, आप देख पा रहे हो इस तरह आप आंसर निकाल लेंगे। आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए ध्यान रखिएगा, मेरा चैनल है टेलीग्राम पर, आप ज्वाइन कर लीजिएगा ER नीलेश पटेल से, तो आपको और वहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। या तो आप सर्च करिएगा रीजनिंग वाई नीलेश पटेल तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, थैंक यू। देखिए कुछ और एग्जांपल आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, चलिए इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 3:27 लिखा है, समानुपाते 7:7 क्वेश्चन मार्क आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि 3 का क्यूब कर दें तो 3 का क्यूब लिखा है 27, तो 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब कितना होता है, 343, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा, आसान था, आसानी से आप कर पाए, ठीक है। देखिए यहाँ 9 का 28 से जो रिश्ता है वही 56 का रिश्ता हमें बनाना है, तो आप देखिए 9 त्रिक 27 प्लस 1 कर दें, एक कोशिश है, 56 में गुणा 3 का करें और प्लस 1 कर लें, तो देखिए 56 में गुणा करो तो 36 18 किया, 5 3 15 और 1 16, 168 प्लस 1 बराबर 169, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन है 169, कौन सा नंबर, चौथा नंबर ऑप्शन है, तो आपका आंसर। देखिए क्या किया यहाँ पर हमने, किया क्या है, 9 में 3 का गुणा किया, 9 त्रिक 27 प्लस 1 सेम टू सेम 56 गुणे 3 प्लस 1। चलिए आगे की बात करें तो यहाँ देखिए 12 में किसका गुणा कर दें, 12 3 36 माइनस 1, यहाँ देखिए 16 में या तो 3 का गुणा करिए या तो 4 का 3 का गुणा करेंगे, नियर अबाउट ऑप्शन नहीं है क्योंकि 16 3 48 के पास नहीं है, 16 4 64 माइनस 1 करेंगे क्या हो जाएगा, 63। देखिए 63 कौन सा नंबर ऑप्शन है आप देख पा रहे होंगे, लास्ट नंबर। चलिए अब इसकी बात करें तो देखिए 18 तीका क्या होगा, 54 माइनस 2, तो 12 3 36 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 34 34 ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए इनकी बात करें तो ये देखिए सिंगल सिंगल लिखे, 8 9 है, 64 से 65 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 8 क्या है, 2 का क्यूब, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, 64 क्या है, 4 का क्यूब, तो यहाँ क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 25 ऑप्शन में है, हाँ है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए देख पा रहे होंगे कि इस तरह से हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, अपना नंबर